मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 5 से आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे सिर्फ अमीर बनने से कुछ नहीं होता, अमीर बने रहना भी बेहद जरूरी होता है। अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं और शायद आपने इस टॉपिक पर कई वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन अमीर बने रहने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और यही चीज हमें आज डिस्कस करनी है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है कि आप अमीर बने रहने का तरीका जानें। मैं आपको इसे एक कहानी की मदद से समझाता हूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। जेसी लिवरमोर उनके समय के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। वो 1877 में पैदा हुए जब स्टॉक मार्केट ट्रेडर के प्रोफेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और उसमें करियर बनाने का सोचना भी मुश्किल था। उस समय लिवरमोर एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे। सिर्फ 30 साल में उन्होंने आज के समय के बराबर लगभग $100 मिलियन जमा किए, जो उस समय में एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। लेकिन अक्टूबर 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू एक हफ्ते में तकरीबन 1/3 हो गई। ट्रेडर्स की सुसाइड की खबर फैलने लगी और यह खबर जेसी लिवरमोर की पत्नी डोरोथी को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन उस शाम घर वापस आकर लिवरमोर ने अपनी पत्नी को बताया कि उन्होंने क्रैश को प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया और तब वो आज के समय के बराबर करीब $3 बिलियन के मालिक बन चुके थे। अब वो जो चाहें कर सकते हैं और जो कुछ भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। वो अपनी वेल्थ से आराम की जिंदगी काट सकते हैं। जब पूरा अमेरिका स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से बर्बाद हो रहा था तब लिवरमोर के घर में खुशियां छा रखी थीं। पर कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है। लिवरमोर का ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। उसने बड़े कर्जे लेना शुरू कर दिया, एक के बाद एक बेट लगाता रहा और सिर्फ 4 साल बाद यानी 1933 में वो बिल्कुल भिखारी बन गया। वो 2 रात के लिए गायब भी हो गया था, लेकिन जब वो घर लौटा उसकी प्रॉब्लम तब भी खत्म नहीं हुई थी और अंत में उसने अपनी जान ले ली। अब इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने यह सीखा कि अमीर बनना सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अमीर बने रहना सीखना। लिवरमोर की ट्रेजिक कहानी हमें यही बेहद इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना, उम्मीद से भरा होना और मौका देखते ही चौका मारना आना चाहिए। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसकी ऑपोजिट अप्रोच के बारे में भी पता होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन में सब कुछ खोने का डर होना चाहिए और ये कड़वा सच समझना चाहिए कि मैं अमीर बनने से जल्दी गरीब बन सकता हूं। इस बात को समझना चाहिए कि मेरे सफल होने के पीछे लक का एक बड़ा हाथ था, इसलिए अगर लक पलट गया तो जिस रास्ते ने मुझे पहले अमीर बनाया था वही रास्ता मुझे गरीबी की तरफ भी ले जा सकता है। कल का किसी को कुछ नहीं पता। आपने वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की पार्टनरशिप के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 साल पहले उनके ग्रुप में एक तीसरा मेंबर भी था जिसका नाम रिक गैरिन था। वो लोग साथ में बिजनेस मैनेजर्स का इंटरव्यू लेते थे, लेकिन धीरे धीरे रिक का बाजार के ऊपर ग्रिप कमजोर पड़ता गया और उसे बड़ा लॉस उठाना पड़ा। एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से रिक के इस हालात का वजह पूछा गया तो उन्होंने कहा, चार्ली और मैं जानते थे कि हम जरूर सफल बनेंगे, लेकिन हम दोनों को कोई जल्दबाजी नहीं थी। हम जानते थे कि एक दिन हम बेहद अमीर जरूर बनेंगे। रिक भी हमारे जितना ही इंटेलिजेंट था, लेकिन वो अमीर बनने की ज्यादा जल्दी में था। 1973-74 में जब बाजार में गिरावट आई, रिक कर्ज में फंस गया। इसकी वजह से उसे अपने सारे शेयर्स वॉरेन बफेट को पानी के भाव बेचने पड़े। यह उसकी करियर का ब्रेकिंग पॉइंट था। चार्ली, वॉरेन और रिक ये तीनों जानते थे कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन वॉरेन और चार्ली ने अमीर बने रहने की इंपॉर्टेंट स्किल भी सीखी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले 170 सालों का अमेरिका की इकोनॉमी का ग्राफ देखें तो यह कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन इस 170 साल में लगभग 13 मिलियन अमेरिकी ने 9 मेजर वॉर्स में अपनी जान गंवाई। इस टाइम में शुरू हुई करीब 99.9% कंपनियां बैंकरप्ट हो गई। कुल मिलाकर 48 सालों तक 33 रिसेशंस चली। स्टॉक मार्केट की वैल्यू 12 बार करीब 1/3 तक गिर गई। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों की लाइफस्टाइल में करीब 20 गुना सुधार आया। इसलिए इन तूफानों में खड़े रहने के लिए आपको इन 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। 1. डोंट एम फॉर बिग रिटर्न्स, एम फॉर फाइनेंशियल रेजिलियंस। इसका मतलब है कि अच्छे समय में लालची न बने और अपने सारे पैसे को ज्यादा रिटर्न्स के लिए रिस्क में न डालें, बल्कि प्रूडेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस बनाने पर ध्यान दें। चाहे मार्केट में सब कुछ सही दिख रहा हो, याद रखें कि आगे अनजाने चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। सावधानी रखें और स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दें।
ताकि आप फाइनेंशियल ट्रबल्स से बचे रहें। 2. प्लान ऑन द प्लान नॉट ऑलवेज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सफल इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये मानकर चलें कि हमारा हर प्लान हमेशा काम नहीं करेगा। अगर कोई प्लान सही से काम न करे तो तब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना बहुत जरूरी बन जाता है। एक फ्लेक्सिबल प्लान से आने वाले चेंजेस से बेहतर निपटा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि हम हर चीज को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी है। 3. बी ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियस। ऑप्टिमिज्म का मतलब है ये विश्वास रखना कि सब कुछ अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पॉजिटिव आउटकम की पॉसिबिलिटी में विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सिर्फ ऑप्टिमिस्ट रहेगा और नेगेटिव आउटकम्स की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से इग्नोर करेगा तो वो पोटेंशियल रिस्क को नजरअंदाज करने लगेगा। उस स्थिति में उन्हें भयंकर कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऑप्टिमिज्म को रिस्क की अवेयरनेस के साथ मिला दें तो आप चैलेंजिंग सिचुएशंस को सही तरीके से समझ पाओगे और उनका सामना करने के लिए अच्छे से तैयार रह पाओगे। इन द एंड, अमीर बने रहने के लिए सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जिंदगी कैसे भी चैलेंजेस फेंक सकती है, इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। वो लोग जो समझदारी से फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लान बनाते हैं, उनका मुश्किल समय को झेल पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आंखें खोलने वाले इंसाइट्स मुझे मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिले हैं। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।